गुड मॉर्निंग किड्स। सी कौन आया है आपसे मिलने? हेन है ना, मुर्गा, इसका नाम है मुर्गा। मुर्गा है ना। आज मैम आपको एक खमंडी मुर्गे की कहानी सुनाने जा रही है। बहुत मज़ेदार कहानी है और उसका क्या, उसका मॉरल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। एक बहुत सुंदर सा जंगल था, उस जंगल में एक घमंडी मुर्गा रहता था। वो अपने आगे किसी को कुछ सोचता ही नहीं था। वो कोई भी छोटे मोटे पक्षी होता था, कोई भी आता था, वो उससे बहुत बोलता था कि अरे मुझ जैसा तो कोई बलवान है ही नहीं, मैं तो सबसे लड़ सकता हूँ, मैं तो कितना सुंदर हूँ, मैं तो कितना अच्छा काम करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, जब घमंडी मुर्गा अपने घर को जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा जानवर आया। उसको देखकर वो खूब हंसा और हंसते हंसते बोला कि अरे तुम तो कितने छोटे से जानवर हो, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही मेरे सामने नहीं है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ी सी चील आकर उस घमंडी मुर्गे को अपने नाखूनों में पकड़कर उसको ले गई, उड़ा के ले गई, और घमंडी मुर्गा देखता ही रह गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमारे आगे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे अच्छे हैं और हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। अगर हम घमंड नहीं करेंगे तो हमारे साथ कभी कोई चीज़ बुरा नहीं हो सकता है। तो ये है घमंडी मुर्गे की स्टोरी, और आपको मैम इसकी स्टोरी का पूरा लिंक बताएंगी, वो आप उसको सुनिएगा और इंटरेस्ट लेके एंजॉय करिएगा। सो किड्स एंजॉय दिस स्टोरी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।